A naughty ghost. ये देखो डियागो बॉल मेरे पास आ गई है। अब मैं गोल करने जा रहा हूँ। डियागो जल्दी आगे बढ़ो। ये देखो ये रहा मेरा शॉट। डियागो बॉल को हेड करो। ये क्या तुमने फिर से गड़बड़ कर दी? तुम किसी काम के नहीं। हाँ चलो छुट्टी हो गई दोस्तों, अब घर चलकर अपना होमवर्क करते हैं। तुम्हें खेलने के साथ साथ पढ़ने का समय भी याद रहता है। मैं कैप्टाउन में बस बीत रहा है ये दिन आज। वैसे तो आज सब तरफ शांति रही, पर देखना ये है कि आने वाला कल कैसे बीतेगा। डिनर से पहले मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ। अरे नोटबुक कहाँ है? मैंने तो बैग में रखी थी, लगता है स्कूल में भूल गई। अच्छी तरह आराम से चबा कर खाया जाए तो कभी नहीं फंसता। मैं थोड़ा दूध पीऊंगा। अगर भैया दूध पीना ही चाहते थे तो फिर ऊपर क्यों गए? आराम से, तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हारी नोटबुक ले आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। अपना सामान संभाल कर रखा करो। बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नियांडर तो वाकई बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग, ये कैट टाउन और मैं हूँ माइक, लेकर आया हूँ नई ताजा खबरें। इस हफ्ते फिर खबरों में है नकाबपोश नियांडर। नकाबपोश नियांडर का नाम मशहूर लोगों के चार्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने कमाल कर दिया, नियांडर को मिली है एक और कामयाबी। ये नियांडर कितना बहादुर है। इसीलिए मशहूर लोगों के चार्ट में सबसे आगे है हमारा। आपको ये चोट कैसे लग गई? वो मैं अभी सीढ़ियों से उतरते वक्त। तो आराम से उतरा करो। हमेशा की तरह आज भी हमारा नियॉन मशहूर होने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करने में जुटा हुआ है। हाँ मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ, लोगों का प्यारा हूँ, उस नियांडर की मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। स्कूल में नियॉन सर मशहूर होने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर नियांडर के नंबर वन होने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो चलिए। हाँ मैं बड़ी से बड़ी चीज तोड़ सकता हूँ, बताओ इस वक्त मुझे क्या तोड़ना है? सर मैं यहाँ कुछ तोड़ने की बात नहीं कर रही, मैं तो भूत को पकड़ने की बात कर रही थी। ऐसा करते हम भूतों से बात करते हैं। ये क्या? तो अब क्या करें? तुम्हारे कहने का मतलब है कि नन्ना भूत गायब है? देखो नन्हे दोस्त, वो भूत ज्यादा ही नटखट है, हम उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस बार मुझे एक छोटे बच्चे से निपटना है। हाय तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में कर लूंगा। ओ, क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, ये अदा मुझे बहुत पसंद है। ये किचन का क्या हाल हो गया है? अरे मम्मी फ्रिज में एक भी चीज नहीं पड़ी, सारी की सारी किसी ने खा ली। इतने जोर से
छाते लेके कौन सो रहा है, जाकर देखती हूँ। भैया क्या हुआ? तो यानी आप खराटे नहीं ले रहे? मैं भी सोची कि आप खराटे लेकर तो कभी नहीं सोते, फिर ये कौन है? ये आवाज तो स्कूल बैग में से आ रही है, देखती हूँ उसमें कौन सो रहा है। हे, जो भी है बाहर आओ। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी नींद आई है, मुझे सोने दो। भैया आपका स्कूल बैग उड़ गया। ये क्या, मेरा स्कूल बैग कहाँ गया? अरे नियागो, आज सुबह सुबह जॉगिंग करने लगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा स्कूल बैग। नियागो, अजीब बात है, लगता है बारिश होने वाली है। मेरा स्कूल बैग, रुको। हाँ, उस भूत को मेरी ये मूंछ जरूर पसंद आएगी। न्या न्या होगा। स्कूल बैग उठा रहा है, हमें छोड़कर सब उड़ लेते हैं। मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। हाँ हो ना हो, ये वही है। पता है, ये जरूर वही भूत होगा, अभी पकड़ता हूँ इसे मैं। हाँ हाँ। कुछ भी हो जाए, स्कूल बैग तो नीचे उतार नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। कहाँ गया? पकड़ लिया। न्यून सर हर काम में माहिर है। मेरी पूंछ किसने खींची, मुझे दर्द हो रहा है। बचाओ। काश मैं मदद कर पाता, पर मेरा नकाब तो बैग में है और बैग न्यून ला रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, यहाँ है ये भूत, देख लो। देखो मैंने कितनी चालाकी से इस भूत को पकड़ लिया है। शायद नहीं। अरे हाय, कौन भागो? कितनी शर्म की बात है, हमारे लिए तुम क्यों आए? मैं तुमसे कभी भी मदद नहीं मांगता हूँ, फिर भी तुम जबरदस्ती आ गए। तुम्ही हो ना वो शैतान भूत जो न्यागो के बैग में घुस गया था? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को तंग करना बुरी बात है। पर मुझे तो इसमें मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और तंग करूंगा। मेरी दीदी, मेरे भैया, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, अच्छा हुआ तुम मिल गए। आप लोगों को पता है मैं बड़ा हो गया हूँ और सब लोग मुझसे डरने लगे हैं। बड़े हो गए हो? क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझी नहीं। एक भूत होकर लोगों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। और सुनो, भूत होने के नाते जंगल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों को जंगल से तभी भगाते हैं जब वो हमसे लड़ना चाहते हैं, वरना हम उन्हें कभी नहीं सताते। समझे कि नहीं? अब तो ऐसा नहीं करोगे? पहली बार भूत को रोते देखा है। मियांडर ने कोशिश की और उसी ने प्राइमरी स्कूल में भूत की गुत्थी को सुलझा दिया। इसीलिए मशहूर लोगों के चार्ट में सबसे ऊपर है नकाबपोश मियांडर। काश मुझे एक बार, सिर्फ एक बार कोई आसान सा काम मिल जाए। ओ सर, आप अपनी चीजें क्यों तोड़ रहे हैं? बच्चों, तुम सबने अपना होमवर्क कर लिया? टीचर, अगर नियांडर मेरी बुक लाकर नहीं देता तो मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता। नियागो, आज तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? वो
ओलियंडर बनकर तो मैं ही मुसीबत में फंस जाता हूँ। इस समय हमारा हीरो बहुत थक गया है, लेकिन अगर कोई मदद के लिए पुकारेगा तो वो सारी थकान भूलकर नगाब पहनकर पूरी तरह तैयार होकर नियंडर के रूप में मदद करने पहुंच जाएगा। तो इंतजार कीजिए, हम अभी लेकर हाजिर हुए नियंडर का एक और कारनामा।